7.2.6 परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका, रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रक्त क्या है या उसमें से कौन से पदार्थों का परिवहन होता है, यह जानकारी महज 400 साल पुरानी है। कोशिका की खोज के बाद रक्त की कोशिकाओं का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान रक्त की नलियों में जल जैसे द्रव्य में कोशिकाएं बहती हुई नजर आईं। अतः रक्त के मुख्य दो घटकों का पता चला। पहला, जल जैसे द्रव्य जिसे प्लाज्मा कहा गया। दूसरा, रक्त में उपस्थित कोशिकाएं। चित्र क्रमांक 7 में देखिए। लाल रक्त कोशिकाएं चकती जैसी दिखती हैं और रक्त में इनकी संख्या अन्य कोशिकाओं से बहुत अधिक होती है। इनमें एक प्रकार का पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है। यह लौह युक्त वर्णक है। इसके लौह के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन का आबंध बनता है। अतः ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका होती है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन इसी तरह होता है। जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, वहां ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मुक्त होकर पहुंचती है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाती है। रक्त में कुछ कोशिकाएं रंगहीन व अलग अलग आकार की होती हैं, जिनसे हमारा शरीर संक्रमण से सुरक्षित रहता है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। शरीर में हल्की खरोंच या कटी फटी जगह पर रक्त के थक्के के रूप में जमने की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से रक्त की एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं के समूह प्लेटलेट्स से होती है। इसके फलस्वरूप घाव भरता है, परंतु ऐसा ही कोई थक्का हमारे हृदय या मस्तिष्क में चला जाए तो हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। रक्त में ऐसे पदार्थ भी हैं जो रक्त के थक्के को गला सकते हैं, जिनसे कई अहम अंगों के अनावश्यक थक्के अक्सर गल जाते हैं। ब्लड यानी खून हमेशा लाल होता है ना? गलत। ब्लड अलग अलग रंगों का हो सकता है। मनुष्य और दूसरे मैमल्स में ब्लड लाल रंग का होता है, जबकि ऑक्टोपस में ये नीले रंग का होता है। ऑसिलेटेड आइस फिश में ब्लड बिल्कुल क्लियर होता है। पापुआ न्यू गिनी में हरे ब्लड वाले शैंक पाए जाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि ब्लड हमेशा लाल रंग का ही होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड किस चीज से बना है और ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या क्या रोल्स हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड का 55% भाग हल्का पीला चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मुख्यतः पानी और प्रोटीन से बना होता है। ये शरीर में न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। प्लाज्मा शरीर में हीट भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन प्लाज्मा ब्लड का वो कंपोनेंट नहीं है जो ब्लड को लाल, हरा, नीला या क्लियर बनाता है। प्लाज्मा में 92% पानी और बस 8% प्लाज्मा होता है। हमारा लगभग 45% ब्लड रेड ब्लड सेल से बना होता है। रेड ब्लड सेल्स बहुत ही छोटी बाइकॉनकेव डिस्क के आकार की सेल्स होती हैं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बोन मैरो में बनती हैं और इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जिसमें आयरन होता है। इस प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की मदद से ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है। ऑक्टोपस में एक अलग प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं, और ये ऑक्टोपस के ब्लड को नीला बनाता है। आइस फिश के ब्लड में हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन नहीं होता, जिसकी वजह से इनका ब्लड क्लियर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ब्लड का बस 1% हिस्सा होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की योद्धा हैं। ये हमारे शरीर को बाहर से हमला करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेन से बचाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स पैथोजेन्स को दो प्रकार से नष्ट करती हैं। 70% व्हाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइट्स होती हैं। ये पैथोजेन्स को फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से निगल जाती हैं। दूसरी प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो एंटीबॉडीज बनाती हैं।
एंटीबॉडीज फॉरेन पैथोजेंस के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें ज्यादा फैलने से रोकते हैं। आखिर में प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। ये ब्लड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है और घाव में इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लड का कलर लाल ही होना जरूरी नहीं है। ब्लड का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि रेड ब्लड सेल्स किस चीज से बनी हैं। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और हीट ट्रांसपोर्टिंग प्लाज्मा होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड का 1% से भी कम हिस्सा होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो पैथोजेंस को नष्ट कर देती हैं। आखिर में होते हैं ब्लड को क्लॉट करने वाले प्लेटलेट्स। गिरने पे अक्सर ब्लीडिंग होने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने देखा होगा कि कुछ देर बाद ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हमारी बॉडी खुद ब खुद कुछ इस तरह के पदार्थ बनाती है जो घावों को अपने आप भर सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लॉट्स यानी खून के थक्के क्यों और कैसे बनते हैं। क्लॉट्स नहीं बनने से हमारी बॉडी तब तक ब्लीड करेगी जब तक कि हमारी डेथ नहीं हो जाती। इसके अलावा क्लॉट्स पैथोजेंस जैसे बीमारी पैदा करने वाले खतरनाक ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में घुसने से रोकती है। जब हम इंजर्ड होते हैं तो हमारी स्किन के ठीक नीचे की ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं डैमेज हो जाती हैं, जिससे ब्लड लीक होकर टिश्यूज में इकट्ठा होकर ब्रूज बनता है, या फिर अगर स्किन खुलती है तो ब्लड ओपनली बहने लगता है। इस तरह की खतरनाक चीजें रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो आइए हम इसके पीछे की मैकेनिज्म समझते हैं। आइए प्लेटलेट्स से शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड के साथ हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो कोलेजन यानी मज्जा खुल जाती है। ओपन कोलेजन प्लेटलेट्स को इंजर्ड एरिया में अट्रैक्ट करती है, जहां पे ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ चिपक के बंडल के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। प्लेटलेट्स का ये बंडल बैरियर की तरह काम करता है, जो ब्लीडिंग को रोकता है। हालांकि ये बैरियर उतना मजबूत नहीं होता। इसे और ज्यादा मजबूत बनाने का काम हमारे ब्लड में घुली हुई फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन करती है। ये प्रोटीन बाहरी केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आके स्टिकी फाइब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली इस तरह के केमिकल्स हमारी ब्लड वेसल्स में नहीं पाए जाते हैं। फाइब्रिन फाइबर्स मिलके एक जाल बनाते हैं जो सभी प्लेटलेट्स को रोक के रखता है और अल्टीमेटली एक मजबूत क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद और प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल्स और हमारे ब्लड में मौजूद दूसरे कंपोनेंट्स फाइब्रिन फाइबर के बने जाल में अटकते रहते हैं, जो क्लॉट को और मजबूत बनाते जाते हैं। क्लॉट ब्लीडिंग को तो रोकता ही है, साथ ही ये पैथोजेंस जैसे हानिकारक तत्वों को हमारे शरीर में घुसने से भी रोकता है। खून का थक्का धीरे धीरे स्कैब यानी पपड़ी में कन्वर्ट होता रहता है, जो घाव की हीलिंग के समय उसे प्रोटेक्ट करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्कैब क्या है? ये एक्चुअली फाइब्रिन के जाल में फंसी हुई प्लेटलेट्स होती हैं। ये आपके घर की सिंक में फंसी हुई गंदगी की तरह होती हैं। स्कैब के नीचे जब नई स्किन बन जाती है तो ये हट जाता है। आइए जल्दी से एक बार कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। कोलेजन के एक्सपोज होने से प्लेटलेट्स का एक ग्रुप बन जाता है। फाइब्रिनोजन के बाहरी केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आने पे ये स्टिकी फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्लेटलेट्स और फाइब्रिन का नेचर सिर्फ तब स्टिकी होता है जब ये बाहरी केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, यानी नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल में ये क्लॉट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के जरिए क्लॉटिंग के जादू को समझा होगा। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा रक्त से कई अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। ग्लूकोज, कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन, लवण आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रक्त में जांच की जा सकती है। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर आवश्यकता अनुसार हमारे रक्त की जांच करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल नामक वसा के बारे में आपने सुना होगा? यह हृदय की धमनियों में जम जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है, परंतु एक निश्चित मात्रा में हमारे आहार नली की कोशिकाओं के लिए यह बहुत जरूरी है। साथ ही हमारी आंत में इसकी उपस्थिति से कई विटामिन का उपयोग हो पाता है, अर्थात हमारे भोजन में एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का होना कतई नुकसानदेह नहीं है।